बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज न्यू सिलेबस फाइंड योर मैथमेटिक्स बुक 4, और आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस। अक्सर बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास आज लेसन में क्या है। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 66 ऑफ योर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम ये जानेंगे कि मिक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके पास फिगर क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ए में आप देख सकते हैं कि 3 ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कंप्लीटली कलर्ड हैं, ठीक है, शेडेड हैं। लेकिन जो आपके पास फोर्थ ट्रायंगल है, इसके अंदर आपके पास जो है वो उसको सब डिवाइड किया हुआ है 4 ट्रायंगल्स के अंदर, और 3 पार्ट्स कलर्ड हैं, 1 पार्ट कलर्ड नहीं है। तो बच्चों याद रखो कि जब आपके पास एक से ज्यादा चीजें हों जिनमें से कुछ पार्ट्स उसके ऐसे हों कि जिनमें से कुछ चीजें ऐसी हों जो पूरी की पूरी शेडेड हों, यानी कि वो कंप्लीटली पूरी की पूरी आपके पास हों, तो वो क्या होती हैं? होल होती हैं। और जो एक या दो चीजें ऐसी हों कि जो पार्ट्स में हों आपके पास और उसके अंदर से कुछ पार्ट्स शेडेड हों और कुछ पार्ट्स अनशेडेड हों, तो वो आपके पास फ्रैक्शन बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स कि एक आपके पास होल नंबर है, यानी 1, 2, 3, ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास 3 ट्राइंगल्स पूरे के पूरे हैं। लेकिन जो चौथा वाला ट्रायंगल है, क्योंकि वो पूरा नहीं है और उसके अंदर टोटल पार्ट्स हमारे पास 4 हैं, तो टोटल हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर में आता है, और जो पार्ट्स हमारे पास शेडेड हैं वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आता है, और इस तरह बन जाएगा 3 होल 3/4, और इसी को हम कहते हैं मिक्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मिक्स नंबर अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे जिसके अंदर आपके पास कुछ चीजें पूरी होल हो और कुछ चीजें आपके पास पार्ट्स में हो, तो उसको हम होल नंबर में शो कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर किया। अब आ जाइए पार्ट बी में। अब यहां पर देखिए आपके पास कुछ डब्बे हैं जो पूरे के पूरे शेडेड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर आपके पास होल क्या होगा? 5। और जो उसके बाद आखिरी डब्बा है आपके पास, इसमें आपके पास ये पूरा शेडेड नहीं है, सिर्फ 3 पार्ट शेडेड हैं, तो ये आपका न्यूमरेटर बन गया यानी ऊपर आ गया। और टोटल कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमेशा जो टोटल होता है वो आपका डिनोमिनेटर में आता है। इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर ऊपर आता है और कौन सा नंबर नीचे आता है। याद रखो कि जब एग्जाम में मिस आपको मार्क्स देती हैं, तो हमेशा 50 या 100 जो आपका टोटल होता है वो नीचे लिखती हैं, और जो नंबर आपने ऑब्टेन किए होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा टोटल जो है वो नीचे लिखना है, और जो आपके पास शेडेड पार्ट है वो आपने ऊपर रखना है। ठीक है, इसी तरह देखिए अब आपके पास एक नंबर लाइन दी हुई है और आपसे कहा है फाइंड द मिसिंग मिक्स्ड नंबर इन द नंबर लाइन। अब इसके अंदर करना ये होता है स्टूडेंट्स, दो होल नंबर के बीच में, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब दो होल नंबर के बीच में आपको देखना होता है कि कितने यूनिट्स आपके पास बन रहे हैं, तो जितने टोटल यूनिट्स बन रहे होते हैं वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, और पहले यूनिट से 1 से स्टार्ट होकर आखिरी यूनिट तक जो आपका होल नंबर डिनोमिनेटर में होता है वहां तक जाता है। कैसे? जरा देखिए, अब यहां पर मेरे पास एक होल नंबर है 0, अगला होल नंबर मुझे कहां नजर आ रहा है? मैं कुछ आगे जा रही हूं तो यहां मुझे अगला होल नंबर नजर आ रहा है। ठीक है, अब कितने यूनिट्स का फासला है? ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 यूनिट्स का फासला है, यानी हर दो होल नंबर के बीच में इस नंबर लाइन के ऊपर 4 का फासला होगा, 4 यूनिट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं दो होल नंबर के बीच में, तो जो हमारा होल नंबर नीचे आएगा, डिनोमिनेटर बनेगा, वो 4 होगा। और अगर आप गौर से देखिए तो सारे फ्रैक्शंस में आपको यहाँ पर नीचे 4 ही नजर आएगा। ठीक है, ऊपर कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन नीचे सब जगह 4 होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आसान चीज ढूंढा करें, ताकि जब एक चीज के ऊपर ग्रिप हो जाती है तो अगली चीज को पकड़ना आसान हो जाता है। तो हमेशा याद रखो, एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर के बीच में जितने पार्ट्स हैं वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी नीचे वाला नंबर आ जाएगा।
अब आपने क्या करना है, ये जो आपका होल नंबर दिया हुआ है ये आपका होल नंबर की जगह पर आता है और होल नंबर बीच में होता है। अब यहाँ जीरो है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब में आप जीरो की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ आपका वन होल नंबर आ गया तो आप देखिए वन से लेकर टू के बीच में सब जगह क्या आएगा, वन वन, और यहाँ भी जो खाली है तो यहाँ भी वन आएगा। फिर जब टू होल नंबर आ जाएगा तो टू और थ्री के बीच में हर जगह होल नंबर में क्या आएगा, टू आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमने टू लगा लिया। अच्छा यहाँ पर हमारे पास मिक्स नंबर नहीं दिया हुआ तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में फोर आएगा, इसी तरह यहाँ भी डिनोमिनेटर में फोर आएगा। तो दो चीजें हमने पकड़ ली, ठीक है, एक हमने डिनोमिनेटर वो दो होल नंबर के बीच में गैप से पकड़ लिया, और होल नंबर तो वो हमारे पास गिवन था जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, इसी तरह से चलता रहेगा। अब बच गई बारी ऊपर वाले नंबर की, ऊपर वाले नंबर में कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है दोनों होल नंबर के बीच में देखना है कि कितने होल नंबर, कितने आपके पास यूनिट्स हैं, और पहले यूनिट से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला यूनिट क्या होगा, वन, दूसरा क्या होगा, टू, तीसरा क्या होगा, थ्री, और चौथा क्या होगा, फोर। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, होल नंबर कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर में फोर है और ऊपर भी थ्री के बाद फोर है, तो फोर अपॉन फोर क्या होता है, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, क्या आंसर आया, वन अपॉन वन। और नीचे कब जब भी वन होता है तो कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब है वन अपॉन वन बराबर होता है वन के, और ये देखिए पहले से हमारे पास वन मौजूद है। इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे पास वन होल नंबर है, सब जगह वन होल नंबर चलेगा टू के आने तक, नीचे फोर 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 है, ऊपर हम देख लेते हैं न्यूमरेटर में क्या होगा, पहला वाला होल नंबर वन के बाद जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो दोबारा वन टू थ्री, और ये भी हमारा क्या होगा, वन होल नंबर, थ्री के बाद क्या आता है, फोर, और नीचे पहले ही से फोर। अब ये देखिए फोर अपॉन फोर क्या आंसर आता है, वन, तो ये होल नंबर के साथ प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन। आपने ऊपर देखा था ना कि ये होल नंबर के साथ ये वाला फ्रैक्शन ऐड हो रहा होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लस होता है, तो वन प्लस वन क्या बनेगा, टू होल नंबर, और ये देख लीजिए आपके पास यहाँ पर टू होल नंबर पहले से मौजूद है। अब टू होल नंबर हर जगह आएगा, नीचे फोर 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 आएगा, पहले यूनिट में वन, दूसरे में टू, तीसरे में थ्री, और चौथे में फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू होल फोर अपॉन फोर, यानी टू प्लस वन क्या बनता है, थ्री पहले से ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आइए नीचे हम देखते हैं, इस नंबर लाइन को खुद से सॉल्व करना है, जीरो से लेके वन तक होल नंबर कितने हमारे पास यूनिट्स हैं बीच में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमें क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, सब जगह सिक्स 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 सब जगह लिख लेना है, ठीक है। तो आप सारे यूनिट्स में सबसे पहले सिक्स लिख लीजिए, इन्होंने तो हमसे सिर्फ ए और बी कहा है, हम सारे कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि बीच बीच में से हमें ढूंढना पड़े कुछ और, तो हमने सारे सब जगह सिक्स लिख लिया। अब यहाँ होल नंबर जीरो है तो कुछ भी नहीं आएगा, वन के अंदर जहाँ पर होल नंबर है सब जगह वन वन वन, सब जगह आपका वन आएगा, जहां टू होल नंबर है वहां सब जगह होल नंबर की जगह पर टू आएगा। अब सिर्फ बच गया हमारा न्यूमरेटर, तो हम सिर्फ यूनिट्स को काउंट करके लिख देंगे, पहले में वन, दूसरे में टू, तीसरे में थ्री, चौथे में फोर, पांचवे में फाइव, फिर आ जाइए वन होल नंबर, वन अपॉन सिक्स, वन होल टू अपॉन सिक्स, थ्री अपॉन सिक्स, फोर अपॉन सिक्स, फाइव अपॉन सिक्स, फिर टू होल वन अपॉन सिक्स, टू अपॉन सिक्स, थ्री अपॉन सिक्स, फोर अपॉन सिक्स, फाइव अपॉन सिक्स। तो आपके पास ए में क्या आया, वन होल थ्री अपॉन सिक्स, और बी में क्या आया, टू होल फोर अपॉन सिक्स। ये देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए स्टूडेंट्स कि अगर मिक्स नंबर आपके पास ऐसा दिया हुआ हो जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, यानी मजीद डिवाइड करके तोड़ सकें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहे हो कि किसी एक टेबल में आते हैं, तो वहां पर उसको लाजमी सिंप्लीफाई किया जाता है। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखिए तो ये फाइव और टेन दोनों एक ही टेबल में आते हैं, फाइव वन जार फाइव, फाइव टू जार टेन, आपने क्या पढ़ा, फाइव का टेबल पढ़ा, आपके पास क्या बच गया, वन अपॉन टू, तो आपने क्या लिखा, थ्री होल वन अपॉन टू। इसी तरह से बी में देखिए, अब ये फ्रैक्शन को देखिए, फोर और सिक्स दोनों टू के टेबल में आते हैं, फोर के टेबल में तो सिक्स नहीं आता लेकिन दोनों टू के टेबल में आते हैं, कब, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, टू होल टू अपॉन थ्री। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, वन होल नाइन अपॉन ट्वेल्व, अब नाइन और ट्वेल्व दोनों किस टेबल में आते हैं, वेरी गुड, थ्री के टेबल में आते हैं, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, तो आपके पास क्या बच गया, वन होल थ्री अपॉन फोर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, फाइव होल एट अपॉन ट्वेल्व है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, वेरी गुड, फोर के टेबल में आते हैं, फोर टू जार एट, फोर थ्री जार ट्वेल्व, तो आपके पास क्या आ गया, फाइव होल
टू अपॉन थ्री। ठीक है, तो आज हमने अच्छी तरह से मिक्स नंबर के बारे में सीख लिया है। होप स्टूडेंट्स यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।